ये बड़ा फेमस इनका स्क्वायर है, टावर है, इसका नाम अभी मुझे नहीं पता है, लेकिन लगता है कि मशहूर जगह है। और इसके सराउंडिंग में शेर शुर बनाए हुए उन्होंने हर तरफ, वो दूर से कुत्ता लग रहा है शेर, ये भी शेर है जी, बाकी आगे भी काफ़ी सारे शेर हैं। ये दूसरा एंगल है जी, जो कि बिल्कुल ही पहले एंगल की तरह है, तो ऐसे ही टाइम वाय करने वाली बात है, मैं ऐसे बंद करता हूँ, इधर आगे बनाते हैं। ये स्ट्रीट है जी ज़बरदस्त किस्म की, और इसके साथ ये फेरस व्हील है, इसमें बत्तियाँ जल गई हैं क्रिसमस की तैयारी के चक्कर में, और ये भी इधर साथ में हिस्टोरिक बिल्डिंग है उस पर भी बत्तियाँ जल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है जी, क्रिसमस ट्री जो है ये भी लिड हो गया है इस वक्त, आगे चलते हैं। और इस जगह का नाम है जी बोन्स फियस्ट, मतलब है कि हड्डियाँ खाओ जी हड्डियाँ। जी क्रिसमस की एक्टिविटी कर रहे थे एथलीट किस्म के लोग, साढ़े वर्ग नहीं, स्लो स्लो टर्ने में। और जी हम क्रिसमस ट्री के अंदर जाने लगा हूँ, इस वक्त इन्होंने गाने बंद किए हैं, ऐसे यहाँ बड़े गाने चलते होते हैं। खूबसूरत लग रहा है जी, बहुत ही अंबर ऐसे का है। दिस इज द इनसाइड ऑफ द ट्री, ट्री के अंदर आके अंग्रेजी शुरू हो गए ने, बादशाह अपनी जबान ते रहो तुसी, वाह जी वाह की गल है बादशाह गोरियां दी, की गल है, मैं क्या क्रिसमस ट्री नू लिट कीता है नीली ते पीलियां बत्तियां ला के, जिंदाबाद जी जिंदाबाद। आप पीछे बिल्डिंग चेक करें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है बिल्डिंग, हिस्टोरिक किस्म की, और ऐसा मेरी नज़र पड़ी है इस पर, बहुत ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग है जो कि दिन में देखने वाली है। चलो इसके लिए भी टाइम निकालेंगे। मैरी गो राउंड जी, राउंड ही राउंड, बच्चे कटने थे मैरी दादा ने, कोई गल नहीं। कोको कोको कौन ले सकता है, कोको मेरे ख्याल में चीनो के अलावा और कोई नहीं लेता है, पैसे कटो तो कोको लो चीनो। इस बिल्डिंग का नाम है जी पोर्ट इन बार्सिलोना, इस पर जो लाइटें लगी हुई हैं और फिर जो लिखे ना 150, इससे अंदाज़ा मुझे ये लगता है कि 150 साल हो गए हैं इस बिल्डिंग को शायद, आई एम जस्ट गेसिंग, आई डोंट नो, नो कंप्रेंड है, बस चंगी लगन रही है। और जी ये देखें जी, कोई लंदन आए की तरह इन्होंने भी कोई आए बनाई है, और लोग की करते हैं लेकिन चूल्हा चंगा लगन है। अरे जी बार्सिलोना आई है जी, आप समझ सकते हैं, इस तरह हमारी तरफ भी है, कैलिफोर्निया में भी दो चार इन्होंने इस तरह के बना दिए हुए हैं, तो अच्छा जी खूबसूरत है, बत्तियाँ बग रही हैं, लोग के अंदर बह के चूल्हे ले रहे हैं, पीछे गाने शाने भी लाए इन्होंने ज़बरदस्त जी, गुड जॉब गुड जॉब की बंदा वर्क, नो लोड शेडिंग, आगे चलना है जी। ओके नाजरीन, फिर सैले समंदर पे आ गए हैं, और इधर कश्तियाँ खलती हैं ज़बरदस्त किस्म की, और लोग वॉक करने देने,
चलते हैं भी आगे, आगे बहुत कुछ है। नाज़रीन देखिए, बंदा पानी के दरमियान में खड़ा हुआ लग रहा है कि कहीं पीपी कर रहा है, पेशाब कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा आर्ट वर्क, बंदा ऊपर देख रहा है। दसो जी आगे चलो जी, कोई नहीं। नाज़रीन आप जी देख सकते हैं, बड़ा ही रोमांटिक किस्म का मौसम है इधर। समुंदरी किनारे जोड़े बैठे ने ते कप्पन ला रहे ने ते ऐसी अभी खुआर हो रहे ने। ओ जी जबरदस्ती पानी के किनारे बैठ के रोमांटिक बातें कर रही हूँ। आई एम होपिंग बट आई डोंट नो, वैसे तो बात हो रही होगी कल की पकाना जे खाने की खाना है। हाँ जी ये जोड़ा तो लाजमी कह रहा है जी कल मटर कुछ बनाना है जी। हाँ जी ना जी ना, मैं भावे खासा पावे ना जी, मैं मटर कुछ बनासा। चल कोई नहीं कर ली तू जो कुछ करना जे। चलो जी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कोशिश करता हूँ मैं कि एक दो मिनट की बने, लेकिन वो वीडियो बद जाती है किसी ना किसी तरह, तो ऐसे कट करने की कोशिश करते हैं अभी, वरना फिर अपलोड नहीं होगी। ये मेरे इलाके के लग रहे हैं, हमारे गोरे लोग हैं ये लोग, आवाज़ आती है अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, वरना जो भी बंदा इधर नज़र आता है वो उसे देखो तो लगता है कि अंग्रेज़ी बोल रहा हो लेकिन स्पेनिश बोल रहा होता है। जैसे तो बिग डिफरेंट, हमारे इलाके में सारे ब्राउन स्किन वाले होते हैं जो स्पेनिश बोल रहे होते हैं, यहाँ गोरा तो गोरियाँ सारी स्पेनिश गल करते हैं। तो मैं तुम कहना कि भी तो गौरी साहब की हो गया पंजाबी की गल करें, तो इस वास्ते कि आफ्टर स्पेनिश पंजाबी जी मशहूर लैंग्वेज है इधर, पंजाबी बहुत लोग देसी हैं इधर। नाज़रीन चलो 7 मिनट से ऊपर हो गए, 7.5 मिनट हो गए, नवी ठंड साफ एंड टॉक लेटर।